कलेक्ट्रेट स्थित तहसील परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन एवं ग्राम नंदी के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। दी जानकारी आपको बता दें, कलेक्ट्रेट स्थित तहसील परिसर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन एवं ग्राम नंदी के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें उनकी मांग थी कि लगातार वह अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने यह धरना दिया तथा संबंधित जानकारी दी। हमारे यहाँ 100-200 साल से चक्रोड चली आ रही, उस पर हमने पूरे गांव वालों ने, प्रधान जी ने, हमने पूरे गांव वालों ने जिला पंचायत से माननीय विधायक जी नीम के आशीर्वाद से खड़ौंजा मंजूर करा दिया था। खड़ौंजा 4-5 महीने पहले जब ठेकेदार लगाने आया, गांव के ब्रजपाल सेठपाल आदि ने रोक दिया खड़ौंजा के, हमारा खेत है। हमने कमिश्नर साहब को यहाँ निवेदन किया कि हमारा इनका खेत नहीं है, इनका पूरा चक कर दिया जा। टीम बनवा दी, टीम जो यहाँ से गई उन्होंने चक नाप दिया उनका। तो हमने पूछा, भाई इनका चक कितना है? अब हमारे तो अधिकारियों ने कसम दे रखी है, हम कुछ नहीं बताने के। चलो उसके बावजूद भी कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब ने फिर सीधे सीधे आदेश कर दिए, ठीक है जी। डीएम साहब ने आदेश कर दिए, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का SDM यूँ चाह रहा कि हम लड़के मर जाएँ वहाँ। अब जाए कि विवाद पानी का ठहर दिया, अब इसका पानी रोक दो गाँव का। बताओ पानी, तालाब नदी किसी की होती है क्या जी? बताओ किसी की होती है क्या जी? जवाब क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे जब तक तो समाधान ना हो, जब तक हम यहाँ से उठते नहीं। यहाँ का प्रशासन पटवारी कह जाकर प्रधान जी पानी का इंतजाम करो। बताओ हम क्या इंतजाम करेंगे भाई? उसका इंतजाम तो सांसद करेगा या विधायक करेगा या DM साहब करेंगे। प्रधान तो सबसे छोटी कड़ी है क्यों जी। शारदा नगर स्थित आवास पर श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड के चौधरी अनिल प्रताप सैनी द्वारा प्रेस वार्ता की गई आयोजित। आपको बता दें, शारदा नगर स्थित आवास पर श्री गुग्गा माहड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड के चौधरी अनिल प्रताप सैनी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनका कहना था कि शहर की प्राचीन सिद्धपीठ गुरु गोरखनाथ एवं जाहर वीर गोगा जी की तीर्थ स्थली पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है और वह शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिसको रोकने के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता कर शासन प्रशासन एवं सरकार से मांग करी कि उक्त मामले में जांच कराकर कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी, श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा रजिस्टर्ड जो संस्था है मैं उसका चौधरी हूँ। मेरे साथ में गुग्गा माड़ी सुधार सभा के अध्यक्ष श्री गुलचंद सागर जी, महामंत्री जी ओम प्रकाश सैनी जी, कमल कश्यप जी, दीपा सैनी जी, राजेंद्र जी, फिल्मी जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र टहलवा जी, ये सभी लोग लगभग 22 छड़ी वाले आज यहाँ मौके पर मौजूद है। जो आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये जो गुग्गा माड़ी 400 बीघे जमीन लगभग जो 1867 में गुवार वाले के नाम से दर्ज थी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत 1914 में इस जमीन को बंजर दिखा दिया गया और 1914 में बंजर दिखाने के बाद फिर 1967 में ये जमीन अलग अलग लोगों के नाम कर दी गई चकबंदी के दौरान। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से ये विनती करते हैं, हम लोग सभी लोग, कि उन जमीनों को खाली कराया जाए और उन जमीनों को खाली कराकर जो हमारी श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, ये उसके हैंड ओवर करा जाए। और इसी के साथ साथ नगर निगम भी वहां से कई करोड़ रुपए का ठेका छोड़कर उस मेले से नगर निगम कमाई करता है, लेकिन यात्रियों की कोई भी सुविधा वहां नगर निगम नहीं दे पा रहे। तो नगर निगम के अधिकारियों से भी हमारी विनती है कि वहां पानी के प्याऊ और यात्रियों को रुकने के लिए धर्मशालाओं का भी निर्माण करें। और इसी के साथ साथ जो देखने वाला मामला माहड़ियों के आसपास
जो नई बसावट हुई है वो भी विशेष समुदाय की बसावट हुई है, वहां श्रद्धालु आते हैं, वहां ढोल भी बजते हैं। तो प्रशासन से और सांसद से हमारी यही विनती है कि उन लोगों पर भी पूरा ध्यान दें और फोकस करें, क्योंकि हमें लगता है जैसा अभी हरियाणा मेवात में इस तरह का माहौल बना था वो माहौल यहां ना बने। हाँ, कुछ 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 लोग हैं जिसके दाम अधिकारियों को देंगे, वो कुछ माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके नाम अधिकारियों को दे देंगे। और 9 सितंबर के छड़ियों का श्रृंगार हो जाएगा और छड़ियों का श्रृंगार होकर छड़िया पूरे जिले में जगह जगह जाकर भ्रमण करेगी, उसकी पाठ पूजा होगी और 24 सितंबर को दसवीं वाले दिन सभी छड़िया अपने अपने स्थान से श्री गुग्गा माड़ी मेले पर जाएगी। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त आसिफ पुत्र अब्दुल मलिक को मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल अमित कुमार, हेड कांस्टेबल आरिफ अली मौजूद रहे। जनपद में नगर आयुक्त ने किया स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का निरीक्षण, धीमी गति से पाया गया विद्युत केबलिंग का कार्य। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्याधिकारी नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने मंडी समिति रोड, चिलकाना रोड, बेहट रोड पर स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मंडी समिति रोड व चिलकाना रोड पर विद्युत विभाग का अंडर केबलिंग कार्य धीमा पाया गया, इस पर उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर समयबद्धता के साथ कार्य योजना की जानकारी लेने के निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्याधिकारी सीईओ नगर आयुक्त गजल भारद्वाज सुबह स्मार्ट सिटी के तहत चल रही परियोजनाओं का अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने पहुंची। सबसे पहले अंबाला रोड का निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था आरसीसी द्वारा कराए जा रहे डिवाइडर निर्माण कार्य का गति धीमी पाई गई, जबकि फुटपाथ का कार्य अभी शुरू ही नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने कार्यदायी संस्था को दीपावली से पहले सड़क निर्माण का समस्त कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंडी समिति रोड के निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग द्वारा कारगिल गेट और आली की चुंगी पर अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी बहुत धीमा पाया गया, जबकि विद्युत विभाग द्वारा अंडर केबलिंग का कार्य 10 अगस्त तक पूरा किया जाना था। मौके पर विद्युत विभाग के लेबर और साइट इंजीनियर भी नहीं मिले। चिलकाना रोड पर भी कार्य की गति धीमी मिली। सीईओ नगरायुक्त गजल भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर समयबद्ध कार्य योजना के साथ कार्य पूर्ण होने की जानकारी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहट रोड पर भी नाला व सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न। संपूर्ण समाधान दिवस में आई 42 शिकायतें। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निदान कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 19, विद्युत विभाग की 7, पुलिस विभाग की 2, नगर निगम की 2, विकास विभाग की 5 व अन्य 7, कुल 42 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने भी संबंधित जानकारी दी। आज संपूर्ण समाधान दिवस है। मैं और हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, सीएमओ साहब, सीडीओ साहब और जनपद के समस्त अधिकारी मिलकर यहाँ संपूर्ण दिवस में शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सवेरे से शिकायतें सुन रहे हैं। कई विभाग से संबंधित शिकायतें यहाँ प्राप्त हुई हैं। सबका गुणवत्ता पर निस्तारण हो, ऐसा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ शिकायतें श्रम विभाग से
सामने आई है जिसमें कुछ श्रमिकों ने आरोप लगाया है, तो उसकी जांच हम मजिस्ट्रेट से भी करा रहे हैं और डीएलसी से भी करा रहे हैं। इसी प्रकार राजस्व विभाग पुलिस विभाग से जो शिकायतें आई हैं उनको भी देखा जा रहा है। क्योंकि बाढ़ अभी आई थी, बाढ़ के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उनका यद्यपि सर्वे हम लोगों ने करा लिया है, उन्हें कुछ शिकायतें आई उसको भी संबंधित विभाग से सर्वे कराकर उसको करवाई। जनपद में डेंगू ने दी दस्तक, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने दी जानकारी। आपको बता दें जनपद में बरसात के बाद उमस भरी गर्मी में बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे अधिक वायरल बुखार एवं डेंगू ने दस्तक दे दी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर में 11 डेंगू के मरीज सामने आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार जगह जगह बचाव हेतु लोगों को जागरूक कर रहा है। जनपद में डेंगू के मरीज कितने आए, किस तरह का वायरस चल रहा है? देखिए, एक मरीज कल पॉजिटिव आया है ननौता ब्लॉक से, टिकरौल एक जगह, वहाँ से टोटली समय जनपद के अंदर 11 डेंगू पॉजिटिव केसेस हैं जो एलर्जिया टेस्टिंग से पॉजिटिव हैं। सभी 11 मरीज ठीक हैं, उसमें मुजफ्फराबाद ब्लॉक, कुमारका ब्लॉक शहर के और एक के लिए ननौता से आया था, तो सभी मरीज ठीक हैं। जितनी एक्टिविटीज उसमें होती हैं तो वो हमने सारी करा दी हमारी टीम्स ने, और आशा और जितनी हमारी एएनएम्स हैं वो घर घर जाकर पूरा देख रही हैं कि जो भी बुखार का मरीज मिल रहा है तो तुरंत हम उस गांव के अंदर अपना कैंप लगवा रहे हैं टीम के द्वारा और सभी की जांच करा रहे हैं। जिला अस्पताल के अंदर 1500 के आसपास ओपीडी हो रही है और कुछ केसेस बढ़े हैं फीवर के, लेकिन वो सब वायरल फीवर के ज़्यादा हैं और डेंगू नहीं है वो, और कुछ आई फ्लू के केसेस अभी आ रहे हैं थोड़े बहुत। 1500 के आसपास ओपीडी चल रही है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी ने समाज सेवियों एवं एसपीओ को उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर किया सम्मानित। आपको बता दें पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा सभी त्योहारों पर एवं संवेदनशील इलाकों से शोभा यात्रा, जुलूस निकलवाने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने पर समाज सेवियों एवं एसपीओ को सम्मानित किया गया। सभी को प्रशस्ति पत्र देकर पटका पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस दौरान समाज सेवी आरिफ खान, डॉक्टर योगेंद्र दुधेरा ट्रैफिक वार्डन, समाज सेवी अनवर मलिक, मोहम्मद सरफराज, समाज सेवी अशोक मलिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक बैठक का हुआ आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यक्षता जौली मुखिया और संचालन जेएससी प्रधान ने किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि भाजपा नेता आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने किसान नेता स्वर्गीय चौधरी राजेश पायलट के खिलाफ कहा है कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम में बमबारी की थी, जबकि 29 अक्टूबर 1966 को राजेश पायलट वायुसेना में हुए थे। बमबारी की बात काल्पनिक है। यदि अमित मालवीय ने माफ़ी नहीं मांगी तो भारतीय किसान यूनियन पथिक हर घर में जाकर भाजपा पार्टी का आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में विरोध करने का काम करेगा। टपरी बस स्टैंड पर शराब के नशे में दो युवकों में हुई मारपीट, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दे थाना देहात कोतवाली के शेखपुरा चौकी क्षेत्र में टपरी बस स्टैंड पर शराब के नशे में दो युवक आपस में भिड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार आए दिन यहां पर इस तरह के मामले होते रहते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शराब के नशे में आए दिन कोई ना कोई युवक आपस में भिड़ जाता है, तो वहीं हुई मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जर्व पुलिस लाइन सहारनपुर में वाम आशारथी के अंतर्गत हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक की धर्मपत्नी ऋचा साहनी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तथा बच्चों द्वारा गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सहारनपुर की धर्मपत्नी सपना तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर की धर्मपत्नी ऋचा रमा के साथ पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक चिकित्सा विभाग के अन्य अधिकारी
परिवारजन शिल्पा वर्मा, कृति मांगलिक, अर्चना द्विवेदी, विधि गजल भारद्वाज, संगीता श्वेता पांडे, अमिता सुश्री, रुचि गुप्ता, ललिता शर्मा, मधुमोहन एवं डॉक्टर अनुश्री पांडे मौजूद रही। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें पुलिस लाइन आवासीय परिसर में रहने वाली महिलाओं एवं अन्य महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।